बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार बहन बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियां पूजी थी, वो भी एक नहीं दो दो। घर की बहू सुनंदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी दामिनी जी, बेटा गोकुल और उनकी पत्नी सुनंदा, दो बेटियां मंदाकिनी और वृंदा थी जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनर परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी दामिनी के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वहीं बेटा गोकुल टीसी पर चुनी की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बेहतर तो नहीं पर हाँ ठीक थी। गोकुल ने सुनंदा की शादी हुई 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्ही किलकारियों सुनने के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे उनने माथा टेका, फिर भी लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे पर घर के लोग क्या करते। दोनों नंद और सास मिलकर सुनंदा का जीना दुश्वार किया रहते। खैर अब यह मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़े की आवाज में वो सारे ताने दब कर रह गए। जब सुनंदा और गोकुल बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि स्थिति न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गोकुल ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। सुनंदा ने मना किया लेकिन उसे दामिनी जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग्य का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़े के साथ कुआं पूजन हो जाने के बाद पिरावनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। पिरावनी के नाम पर भी सुनंदा के मायके वाले से काफी कुछ लिया गया था। पिरावनी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और लोग अपने घर पर रवाना हुए। अब घर में खास रिश्तेदार ही रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बतिया रहे थे। उस समय बड़ी नंद मंदाकिनी बोली, भैया तो आयोजन तो बहुत अच्छा किया पर अपनी बहन को क्या दे रहा है, जरा वो भी तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना निपटेंगे। काफी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं, हम तो भर भर के लेकर जाएंगे। छोटी नंद वृंदा ने भी कहा, हाँ हमें तो अभी दे दे। आपके सामने बाद में तू मुखर गया तो सुनकर हंसता हुआ गोकुल अंदर कमरे में गया और वहाँ से दोनों बहन की विदाई लेते हुए आया। दोनों के लिए 4-4 साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़े पर 2100 रुपये रखकर ले आया। पर खुश होने के जगह विदाई देखकर ही दोनों बहनें बिखर गई। अरे भाई, क्या उस सस्ते में निपट रहा है, हमें क्या समझ रखा है। हम लोगों को हमारे ससुराल ले जाकर ये सब दिखाएंगे, वो लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज तो रख, इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ दो दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटना चाहते हो। दोनों की बात सुनकर गोकुल ने कहा, अरे दीदी मजाक मत करो, आपको पता है ना सोने के भाव
क्या हो रहे हैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें सोने की कोई चीज दे दूं। आप तो इससे खुश हो लो, सब हैसियत नहीं है तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी। इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए, अभी तेरे बेबी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, तो इसके लिए काजू बादाम लेकर आया और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहने को देने के नाम पर रोना आता है। दोनों बहन बोली, कैसी बात कर रहे हो तुम, वह अभी नई नई माँ बनी है, उसे जरूरत है इन सब चीज़ों की। अच्छा, अपनी बेबी की जरूरत का ख्याल है लेकिन अपनी बहन के इज्जत का ख्याल नहीं तुझे। अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तेरे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। माहौल बिगड़ता देखकर मंदाकिनी जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती है। वो वहाँ से उठकर गोकुल के कमरे में चली गई और सुनंदा से बोली, बहू तेरे पास कोई सोने चांदी की चीज तेरे बड़ी नंद को दे दे, इतने शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज करना। पर माँ जी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मंदाकिनी जी चुप रही, फिर बोली, बहू तेरे कान में जो सोने के झुमके हैं उन्हें खोलकर अपनी नंद को दे दे। पर माँ जी मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं, अगर वो मैं जीजी को दे देती तो क्या पहनूंगी। बहू अपने घर की भी इज्जत है, मुझे इसके भाग्य का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले हैं, फिलहाल तेरे झुमके ही दे दे। आंखों में आंसू ले सुनंदा ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर दे दिए। ते लाकर दामिनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए, जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और मामा मुझे तो नहीं दिया, चुप कर अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। दामिनी जी ने कहने पर गोकुल ने जमाई जी और मंदाकिनी को लग कर विदाई का सामान उसके हाथ में दिया। तब मंदाकिनी के हाथ में सामान के साथ ही सोने के झुमके देकर जमाई जी बोले, अरे गोकुल ये क्या दे रहा है भाई, कपड़े तक ठीक है पर ये सोने चांदी की चीज नहीं चलेगा। आओ इसे अभी के अभी सब एक टक जमाई जी को तरफ देखने लगे तो मंदाकिनी बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज दी है तो तुम क्यों मना कर रहे हो, इन्होंने दिया तो तू ले लिया, वो भी छोटे भाई से तुम्हारे प्यास क्या कमी है, अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मना नहीं कर सकती थी पर वो मैं, अरे बहन बेटियां लेने ही नहीं होती, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरफ बड़प्पन ही दिखाती। अभी के लिए अभी ये झुमके उन्हें वापस करो, अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए नहीं आई तुम्हें, सब कुछ सुन चुका हूँ मैं, ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो, तुम्हारे नंद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। पति की बात सुनकर मंदाकिनी की नजरें नीचे छू गई, वहीं वृंदा और दामिनी जी से कुछ कहते ना बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतजार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश की हर नंद ये बात समझ पाती, आखिर मंदाकिनी को झुमके लौटाने पड़े। आज जमाई जी की समझदारी के कारण सुनंदा को उसके गहने वापस मिल गए, वहीं छोटी नंद की भी हिम्मत नहीं हुई अपनी भाभी से
सोना चांदी मांगने की आखिर उसके ससुराल वाले को भी पता चल सकता है कि वो विदाई मांग कर लाई है। आखिर बड़े जमाई जी के जरिए ही तो उसका रिश्ता उस परिवार में हुआ था।